हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गांव की तरफ घूमने, और आज सुबह सुबह बारिश हो गई है और नाले बहने लगे हैं बहुत ज़ोरों से। तो नाला तेज़ी से बह रहा है, पानी काफ़ी ज़्यादा था इसमें, अब थोड़ा कम हो गया है। इधर भी देखो आप, तो पानी बिल्कुल साफ़ हो गया आज का नाले का। और एक बावड़ी है मेरे घर के नीचे, तो आज मैं आपको घुमाता हूँ अपने खेतों में जहाँ आजकल मक्की लगी है। तो मम्मी पापा तो चले गए हैं मुझसे पहले, और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा के पास। तो आई होप आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट और लाइक जरूर कर देना। मेरे घर के साइड थोड़ा सा जंगल है, जो गांव का रास्ता जाता है वो जंगल से होके जाता है। आजकल तो बरसात है तो जंगल में हरियाली काफ़ी अच्छी छाई है, पूरे जंगल हरे भरे हो चुके हैं। आजकल बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चलने की, जूते गीले हो जाते हैं और पानी पानी। सामने आप पेड़ देख रहे हो, ये आम का पेड़ है करीबन 100 साल पुराना, तो इससे हमने बहुत सारे आम खाए हैं, तो अभी भी ठीक है, इसकी टहनियाँ टूनियाँ सब ठीक है। कुछ और भी पुराने पेड़ थे यहाँ पे आम के, पर जो पुराने पेड़ हैं वो गिर चुके हैं, पर ये अभी गिरा नहीं है। इसकी टहनियाँ भी अच्छी हैं और काफ़ी मजबूत है ये। आजकल गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को होती है जिनके पशु हैं, क्योंकि ये जो आप घास देख रहे हो तो घास काटने में उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि घास में आजकल जैसे बारिश होती है तो पानी चला जाता है, फिर उसको काटेंगे तो भैंसे भी इस घास को निखाते हैं, तो ये दिक्कत ज़्यादा होती है। कि एक तो बारिश का कोई पता नहीं है कब बारिश आ जाए, और घास काटना ज़रूरी होता है। अभी बस यहाँ से जो ऊपर ये रास्ता गया, यहाँ से हार बोलते हैं, मतलब एक बहुत सारे खेत हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से मेरे गांव के खेत स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस यहाँ से हो जाते हैं मेरे गांव के खेत स्टार्ट, और देखो ऊपर वाली पहाड़ियों पे कितनी धुंध पड़ी है आजकल। भैंस के लिए तो ऐसा कुछ व्यू है गाँव का आजकल, और ये मेरे गाँव के खेत हैं। तो आजकल गांव के खेतों में लगी है वहाँ पे मक्की, और यहाँ पे मम्मी पापा, और इधर लगाई है अरबी लोगों ने, ये अरबी के खेत हैं। और ये मेरे प्यारे गांव का व्यू। तो जो गांव के घर हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, इस साइड है गांव के घर और एक गांव की ज़मीन है पूरी। तो मम्मी पापा लगे हैं घास काटने भैंस के लिए, यहाँ पर लगाई लोगों ने हल्दी, और इस साइड है ये मक्की लगी है, और ये वाले जो खेत हैं ये धान के खेत हैं, इससे ऊपर वाले, और ऊपर भी मक्की लगी है, और यहाँ पे ऊपर लगाए लोगों ने अरबी। और आज अभी जा रहा हूँ नानी के घर, तो मेरे नानी के घर है आज एक फंक्शन, तो हमारी यहाँ पहाड़ी भाषा में बोलते हैं डेरा, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा होता है हमारे यहाँ पे डेरा। तो जो डेरा होता है उसको दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा होता है डेरा, क्या उसमें प्रोग्राम होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं हमारे कल्चर में। तो अभी बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, और ऐसी हरियाली छाई है मेरे गांव में आजकल। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नानी जी के घर, और यहाँ पे था डेरा। तो डेरा होता है कि गुग्गा झारपी जी की कथा सुनाई जाती है डेरे में, तो जिसमें कि एक मंडली आती है, मंडली में होता है 10 से 15 लोग जो कि गुग्गा झारपी जी की कथा को सुनाते हैं। तो जब वो लोग आते हैं मंडली वाले, तो सबसे पहले गुग्गा झारपी जी की आरती की जाती है, उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद वो फिर पूरी रात जो है गुग्गा झारपी जी की कथा को सुनाते हैं। तो जो गुग्गा झारपी जी की कथा होती है तो उसको हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या पूरी कहानी होती है। महाराज
जी कथा होती है इसमें सुनाया जाता है कि गुग्गा झारपीर जो है वो गोरखनाथ जी के चेले होते हैं और उनका जो जीवन होता है वो पूरी कथा यहाँ पे सुनाई जाती है। और उसके बाद बोलते हैं कि जो गुग्गा झारपीर है इसकी कथा होने के बाद जो एक होते हैं कार वाले किले और एक होते हैं बेकार वाले किले, तो जो कार वाले किले होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं कि अगर कथा हो जाती है, और जो बेकार किले होते हैं वो अनकंट्रोल रहते हैं तो वो जो है कंट्रोल में नहीं आते हैं। पर जो कार वाले कीड़े होंगे वो कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे कि बरसात का टाइम है तो आजकल सांप ज़्यादा निकलते हैं तो वो वाले सांप जो है कंट्रोल में आ जाते हैं जो गुग्गा झारपी जी के कंट्रोल में होंगे। तो ऐसे ऐसी पूरी कथा सुनाई जाती है कि उनका जीवन कैसे रहा और उनकी शादी कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या काम किए, तो ये सारी कथा सुनाई जाती है। तो जो ये कथा सुनाते हैं तो इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है, तो वो अपनी लैंग्वेज में सुनाते हैं। जो कथा सुनाने वाले होते हैं उनके पास डमरू होते हैं, चिमटा होता है और ढोलकी होती है, तो वो नाच गाना करते हैं, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आई होप आपको डेरे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी जितनी मुझे पता थी, और इससे अलावा भी और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है डेरे से रिलेटेड, पर मेरे को सिर्फ इतनी सी पता है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।